भांजा मोटर्स उदयपुर से मैकेनिक संदीप साहू। तो दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में आपका। और मेरे पास आई हुई है, देखिए हीरो की सुपर स्प्लेंडर आई हुई है। और इसमें ये फॉल्ट था दोस्त कि यहाँ पर जो है ऑयल नहीं आता था, बहुत धीमा ऑयल आता था, जबकि इसका ऑयल पंप में कोई खराबी नहीं थी, इसका कुछ भी नहीं था, कोई टेंशन नहीं था। इस पर सबसे बड़ी खराबी थी, एक तो यहाँ की किसी भाई ने खोला तो ओरिम जो है निकाल दी और बगैर ओरिम के इसको लगा दिया। हमने गैस्केट ओरिम तो उपलब्ध नहीं हो पाई यहाँ पे अचानक, तो हमने इस पर क्या किया है कि ट्यूब लगा दिया, गैस्केट ट्यूब लगा के और अच्छे से जुगाड़ से एक दूसरी ओरिम जो है लगा कर वो कर दिया। और इस पर हमने डाला है ये देखना प्राइमरी गेयर डाला है हमने, देखना दोस्त ये प्राइमरी डाली है न्यू। इसमें जो साउंड आता था घटघटाने का साउंड आता था, इसलिए हमने इस पर प्राइमरी डाली है, क्लच प्लेट डाल दी। और इस पर एक दूसरा फॉल्ट ये है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस पर ऑयल ना चढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि इस पर जो बैरिंग लगता है ये जो बैरिंग है, ये बैरिंग मतलब इसमें जेड रहते हैं, ये पैक रहता है, तब ऑयल जो है यहाँ से अपना अच्छे से प्रेशर बना के जहाँ जहाँ जाना है ठीक से, तो ऑयल जो है वैसे ही तो यहाँ से एक तो लीक हो जाता रहा यहाँ से, तो ये ध्यान रखें इस पर जेड ही बैरिंग लगाएं दोस्तों बहुत ध्यान से, क्योंकि ऑयल का अगर प्रेशर अच्छा हेड में चाहिए तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि इस पर जो है जो ऑयल फिल्टर लगा होता है, परमानेंट ऑयल फिल्टर लगा के देती है कंपनी, वो कहाँ देती है देखना, ये ऑयल फिल्टर दिया है। तो ये जो ऑयल फिल्टर था दोस्त, तो इस पर क्या समस्या थी मैं आपको दिखा रहा हूँ निकाल के। इसको जब हमने निकाला तो ये पूरा चोक था, हमने इसको साफ करके लगा दिए है, हालांकि ये साफ हो चुका है, देखिए ये साफ है, एकदम साफ है। और इसको और अच्छे से क्लीन करके लगाएं, देखें आप कैमरे में इस पर बहुत सी डस्ट दिखाई दे रही है, ये इसको और अच्छे से साफ करके लगाएं, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें, अगर यहाँ पर आपको ऑयल कंप्रेसर अच्छा चाहिए, ऑयल का प्रेशर अच्छा चाहिए, तो ये इसको ध्यान रखें, पहले इसको साफ करें और यहाँ की ओरिम में ध्यान दें, और ये जो बैरिंग लगा रहता है क्लच पल्ले में इस पर भी ध्यान दें। इसमें जेड होना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो फिर ऑयल जो है प्रेशर अच्छा नहीं बनाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, भांजा मोटर से मैकेनिक संदीप साहू। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।